दार्जिलिंग के हर एक कोने से, हर एक पीएस से ये मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोगों ने आगे भी एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है, रोकी ने नए शिक्षा इसके अंडर में, जिसके पास में मोबाइल फोन्स नहीं थे तो हम लोगों ने एक दिन का सैलरी काट के 8 लाख रुपए जमाए, उसमें से वी ट्राइड 200 से अधिक फोन हम लोगों ने दिए। विक्रम भी हमारे साथ में था, राणा जी ने भी बहुत सारे चीजें आपको बता दी है, एडिशनल एसपी सौम्यदीप एंड एडिशनल एसपी करस्योंग मनोरंजन, इसने भी बहुत सारी चीजें आपको बोल दी है। तो ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास का एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दार्जिलिंग जिले के स्टूडेंट्स, हमारे नेपाली नीचे में बंगाली स्टूडेंट जो भी है वो आगे बढ़ सके। आप में टैलेंट है, आप में सच में टैलेंट है, किसी में स्पोर्ट्स का है, किसी में म्यूजिक का है, लेकिन ये चीजें तो है, होती रहेगी, लेकिन जो बेसिक है कि एक बेस चाहिए। हम बोलते हैं ना कि सब चीजें हॉबीज एंड ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन लास्ट में किस में आता है, पेट का सवाल आता है। सब आखिर में कहां पे आके रुकता है, सब चीजें, खाना, पेट, घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छा हो, ये सब चीजें में आके ठहर जाता है। तो इसके लिए आपको एक बेसिक चाहिए कि आइदर आप अभी यहां पे हम क्राउड है, हमारा जो स्टूडेंट्स है किस लिए जमा है, आइदर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाहिश लेके यहां पे हम लोग जमा हुए हैं। तो ये ख्वाहिश रखना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि अगर हम लोग ख्वाहिश ही नहीं रखेंगे कि मुझे ये बनना ही है, तो आखिर में क्या होगा कि छोटा मोटा काम करके आप अपना पेट पाल सकेंगे। लेकिन बड़ी ख्वाहिश रखिए। जैसे मैं मेरा स्टोरी बताता हूं, मनोरंजन ने बोला कि ये ऐसा ऐसा था, मैं मेरा स्टोरी बताता हूं। मेरे पिताजी खाली एक प्यून थे, प्यून जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्यून थे, और हम तीनों भाई, हम दो भाई एक बहन, तो हम लोग देखते थे कि अरे ये ऐसा है, इतने सारे बड़े लोग, गाड़ी, ये वो ये चीजें, तो हमें भी एक होता था मन में कि मैं भी ये अचीव कर सकता हूं कि नहीं। तो ये अचीव करने के लिए जितना हार्डवर्क चाहिए हम तीनों ने किया। जैसे मैं मेरा बात, ये जो प्लेट साफ करना, प्लेट धोना, ये सब काम मैं और मेरे भाई ने किया है। 9वीं 10वीं में ये काम करके हम लोगों ने पैसे कमाए, और उसमें से आगे पैसा कमा के हार्डवर्क करके 12th हो गया, 12th के बाद डॉक्टर, अभी डॉक्टर होना है तो हमारे पास नहीं, क्लास ऐसे वैसे ये सब चीजें नहीं थी, इतना पैसा कहां से आया। तो अगेन अदि हार्डवर्क कम्स, एंड अगेन वही जो आग है, अगेन इट कम्स। तो हार्डवर्क करते करते आई गॉट 94.66 मार्क्स। अगेन उसमें भी मुझे 4 मार्क्स कम मिले, 4 मार्क्स कम मिले, एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिली। तो मैंने एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में बीएएमएस के लिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसमें 5.5 साल हुआ, एक साल इंटर्नशिप हुआ, उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस किया मैंने। प्रैक्टिस करने के बाद सोचा, अरे यार ये तो मैं बनना नहीं चाहता था, तो ये सब छोड़ के एक दिन गाड़ी में डाल के सब सामान प्रैक्टिस का मैंने वो छोड़ दिया और कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टार्ट किया। तो उसके लिए 4 साल मेहनत करना पड़ा, 5 साल मेहनत करना पड़ा। जैसे उसने बोला कि मेरे पास में 4 साल एक भी पोस्ट नहीं था, पैसा नहीं है, जो भी प्रैक्टिस में से कमाया वही मैंने डाला, उसमें से जो भी इंटरेस्ट आता था उससे सब चला रहा था। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया मेरे पास में 7 पोस्ट थे, गवर्नमेंट के 7 पोस्ट एक ही साल में मेरे पास 7 पोस्ट आई। तो पहले इनकम टैक्स में था मैं, IRS इनकम टैक्स, और इसके बाद IPS में आया। सेम हैपेंड विथ माय ब्रदर, उसने इंजीनियरिंग में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट से किया, और उसके बाद अभी USA में है, GRE देने के बाद वहां पे उसने MS किया न्यूजर्सी में, वहां पे PhD की, नाउ ही इज वर्किंग फॉर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वहां पे वो रिसर्च का काम कर रहे हैं। बहन का भी ऐसा हुआ, घर में काम करने इवेंट्स एंड अदर सोशल एक्टिविटीज,
र इन्ट्रेस्टिङली म पीएचडी पनि गर्दैछु र मेरो पीएचडीको टपिक नै न्यू मिडिया एन्ड एकाडेमिक्स हो र जसरी तपाईँले हेर्नुभयो यो एउटा नयाँ प्रकारको लर्निङ थ्रु न्यू मिडिया जस्तो लास्ट हामी टू इयर्स गुगल मिटहरूबाट हामी पढिरहेछौँ र वी आर टेकिङ आवर क्लासेस सो देयर आर लट अफ एप्स अहिले जस्तो वान एप आई एम स्योर अल अफ यु हेभ हर्ड इज बाइजुस हेभ यु हर्ड अफ बाइजुस एप सो बाइजुस एपमा पनि यस्तै खालको प्रोग्राम छ बट डु यु नो हाउ मच विल इट कस्ट एनीबडी इट कस्ट 85,000 रुपिज अ इयर सो द्याट इज द कस्ट अफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विच यु आर गेटिङ फर फ्री र हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दा जहिले पनि whenever we are talking about school life चाहिँ golden life भन्छ किनभने स्कुलमा सबै चिज हामीलाई प्रोभाइड गरिदिइसकेको हुन्छ योर राइट फ्रम योर युनिफर्म टु योर टिफिन टु योर इभन स्कुलमा आमा बाउले घरमा पनि पढाउँछ तर वेन यु रिच कलेज द्याट बिकम्स योर टफ लाइफ किनभने आफै पढ्नुपर्छ देन आफ्टर द्याट यु निड टु गेट अ जब सो एजुकेसन इज लाइक एन इन्भेस्टमेन्ट प्लिज रिमेम्बर जति राम्ररी पढ्नुहुन्छ त्यति नै त्यसको रिटर्न्स राम्रो हुन्छ सरले पहिला पनि भन्नुभएको थियो द्याट रोकिने छैन शिक्षामा जहाँ जहाँ टावरहरू अलिक विक छ नेटवर्क उहाँले त्यहाँ मोबाइल अपरेटरसँग कुरा गरेर त्यसलाई बुस्ट गर्नु सिग्नल केही गर्नु सकिन्छ भने उहाँले त्यो पनि गर्नुहुन्छ सो दिस इज एन अपर्च्युनिटी एन्ड इन 2023 आई होप वेन आई टेक आउट द न्युज पेपर हाम्रो धेरैजना नानीहरू जो यहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको नक्सा पनि आई होप टु सी यु अल as doctors as engineers maybe as IAS officers WBCS whatever but I want you all to excel in life and that is the biggest achievement that or happiness that you can give to your parents so yo bande I would like to finish and I would like to wish you all the best tapai le je paunu bhako cha tyo hamile paena so make full use of it thank you so much and fir se ek saal baad फिर से हो सके आप जब डॉक्टर इंजीनियर्स बन जाएंगे तब हम मिलेंगे थैंक यू सर सुकिया पोखरी कुन क्लास पढ्नुहुन्छ इलेभेन के को निम्ति आउनु भएको थियो तपाईँ म एक्चुली मलाई कोर्सहरूको लागि जरुरत थियो कि त्यसले गर्दा कोर्सहरू यहाँ एभाइलेबल छ यस्तो के इन्फर्मेसन पाउँछ भने चाहिँ हेर्न के कोर्स चाहिँ गर्नु इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँ म जी कोर्सको लागि जी कोर्सको लागि अन्त तपाईँलाई चाहिँ अब आज यहाँबाट चाहिँ के जानकारी चाहिँ पाउनुभयो फ्री कोर्स छ भनेर त्यसले गर्दा अलिकति मोटिभेट पनि भएँ अन्त आज जति सुनेको थिएँ त्यसले गर्दा फ्री कोर्स लिउँ कि नलिउँ सोचिरहेको छु टाइम पाएँ भने फ्री कोर्स गरेँ किन अन्त आफ्नो एम्बिसन चाहिँ इन्जिनियरिङको छ त्यसको लागि ट्राई गर्छु यदि तपाईँलाई यो अब उनीहरूले अनलाइन कोर्स गराउँदैछ है फ्री अफ कस्ट र यदि तपाईँ बाहिर गएर पढ्नु पे गरेर पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ बाहिर गएर पे गर्नु पऱ्यो भने त्यो अहिलेसम्म मैले सिलेक्ट गरेको छुइनँ तर फ्युचरमा भन्नु सक्छु आज जो तपाईँले यहाँ अब सुन्नुभयो बुझ्नुभयो है उहाँले जो भन्नुहुँदैछ त्यसमा र अहिले जो अहिले जो एलियनहरूले गराउँदैछ त्यसमा के डिफ्रेन्सेस छ तपाईँलाई यस विषयमा केही जानकारी छ त्यति यति थाहा पाएन जो ये दार्जिलिङ पुलिस का इनिशिएटिव रखा गया है कोचिंग का तो आप क्या फील कर रहे हो कैसा महसूस हो रहा है फ्री कोर्स तो ইউটিলাইজ মানে সিরিয়াসলি যদি আমরা এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য এটা অনেকই ভালো কারণ অনেক জায়গায় দেখি আমরা বিভিন্ন কোর্স দেওয়া হয় কিন্তু ওখানে এক্সট্রা ফিস চাই সাবস্ক্রিপশন চাই তো এক্ষেত্রে আমাদের জন্য এই কোর্সটা খুবই সুবিধাজনক दार्जिलिंग पुलिस इन द मंथ ऑफ अगस्त रोकीने चाहिए शिक्षा बोल के एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन दैट प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड 200 मोबाइल्स टू द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो कि मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाते उनका जो एडुकेशन है वो आपके ये जो लॉकडाउन था उसमें कुछ हैम्पर ना हो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दिस टाइम विद द कोलैबोरेशन ऑफ करियर एंड कोर्सेज हम लोग मोर देन 250 जो स्टूडेंट्स है जो साइंस स्टूडेंट्स है उसको नीट एंड जेईई का जो कोचिंग है वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बंदोबस्त किया गया है
career and courses from Barakpur. They are doing these courses online. So all these 250, maybe इसके ये आगे भी और भी students enroll हो सकते हैं. इनको online coaching दिया जाएगा for the next 1.5 years. And the whole coaching is free and it's for NEET and JEE. करियर एंड कोर्सेज और दार्जिलिंग जिला पुलिस एक साथ मिलकर हम लोग थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग एक्टिविटी, इसके लिए हम लोग दार्जिलिंग जिला से 250 बच्चों को नीट और जेई की क्लासेस 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 720 घंटे की क्लासेस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देंगे. उसमें मॉक टेस्ट वगैरह, फीडबैक सिस्टम, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, ये टोटल कोर्स है. तो ये टोटल कोर्स दार्जिलिंग जिला पुलिस और करियर कोर्सेज मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए अरेंज किया गया है. सर कब से स्टार्ट हो रहा है? ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 24th या 26th से दिसंबर तक. इसमें दार्जिलिंग के साथ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट भी है जिसमें क्लासेस इंग्लिश मीडियम में होंगी, और बाकी वेस्ट बंगाल में बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में ये बंगाली मीडियम में क्लासेस चल रही हैं. सर आपका मेन सेंटर कहाँ पर है? हमारी कोलकाता में मेन सेंटर है, बैरकपुर. ये कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया? 2018 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ ये, 18 में. ये अभी तीसरा साल चल रहा है सर. इस साल का आप लोगों का क्या रहा सर रिकॉर्ड? नहीं, अभी हम लोग नीट और जेई जो स्टार्ट हुआ वो 19 में स्टार्ट हुआ है जी. नीट और जेई 22 में फर्स्ट बैच निकलेगा वो. ओ, 22 में निकलेगा. हाँ, इस बार फर्स्ट बैच निकलेगा. अभी तक आपके स्टूडेंट कितने हैं सर? अभी अभी अराउंड हमारे सब मिला के लगभग 6,500 स्टूडेंट हैं, और उसमें पेड बच्चे अराउंड 550 के आसपास हैं. जो आपने जो 250 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, ये व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसीजर? इट वाज बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिलेक्टेड द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मेरिट मेरिट एंड नीडी स्टूडेंट्स. दोज हु नॉर्मली कैनॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ क्लासेस कोचिंग क्लासेस लाइक नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स, जो इस क्लासेस को पैसे दे के नहीं कर सकते उनके लिए फ्री में कराया गया है. सो मेनली मेरिट एंड the economic condition was the criteria. So any future projects in Darjeeling, sir, from your side? Not yet, but definitely we will plan. So I will be giving my JEE exam in the year 2024. So is it fine if I join the course? It's very difficult, you see. It seems like... He said 2 saal ka 720 hours, 1 lakh rupees plus GST. Aap ye mat soch rahe hain ki jo free mein aapko aaj mil raha hai. This is free everywhere. We provide paid classes also. So again, the courtesy goes to Darjeeling District Police. A big round of applause. Applause for them, please. Ab main ye bolunga ki what are Maniya Chief Executive Officer, Career and Course, waha ko bahumulya information tapaiharu ko nimti ra aagami din ma bina mulya जुन अनलाइन कोचिंग क्लास तपाईहरुको निम्ति आरम्भ गरिनेछ त्यसको भरपूर फाइदा तपाईहरुले उठाउने हामी यहाँबाट सुझाव दिदछौं. र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै अब क्वेशन आन्सर्स प्रश्न उत्तरको एउटा हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ. नानीहरूलाई या यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिका या अभिभावक वर्ग जसलाई पनि आजको सब्जेक्ट सम्बन्धी कुनै पनि कन्फ्युजन या कुनै पनि इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो स्थानबाट प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ. र जोरदार तालीको साथमा यहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु होला. गङ्गाधीप राय, सुकिया पोखरी हायर सेकेन्डरी स्कुल, सुकिया थाना अन्तर्गत पर्ने सुकिया पर्ने पुलबजार स्कुलका नानी एन्ड्रु राय गर्दछु. हास प्रकृति राय, ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुल रङ्गली रङ्गलियर थानाबाट ग्रिफिथ हायर सेकेन्डरी स्कुल उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ. हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि केही एनरोलमेन्ट सर्टिफिकेट्स वितरण गरिदिनु हुनका निम्ति म स्नो ड्रप स्कुलबाट सुशान्त शर्मा, कृतिका ब्लोम तामाङ स्नो ड्रप स्कुल मिरिक पिएस, पिएसबाट बबिता कुमारी राव घुम हाई स्कुल जोरबङ्लो पिएस, यहाँहरूलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिने यहाँबाट हामी विनम्र निवेदन गर्दछौँ.